लेके रहेंगे, नहीं लेके, हम लेके रहेंगे जबरदस्त। वह राजनीति नहीं चलेगी, अब किसान के मजदूर की बात चलेगी। जो किसान मजदूर की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। वोट बैंक पाकिस्तान में घोड़ा मार दो, हिंदुस्तान में घोड़ा मार दो, इस तरीके की बात करके वोट ले। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान, इस वक्त स्टेट हाईवे पर मौजूद हूं जो सहारनपुर से सीधा दिल्ली को जोड़ता है, लेकिन ये स्टेट हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक है। किसान यहां पर मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या उनकी मांगे उस पर तो बात करेंगे, लेकिन नाराजगी क्या नजर आ रही है। सरकार तो बहुत आश्वस्त है कि हम काम करने आए हैं, सिर्फ सरकार बनाकर बैठने के लिए नहीं। नागरिकता संशोधन बिल पास कर दिया कल संसद में, और आज आप सड़कों पर, क्या कारण नजर आ रहा है? आप जागरूक लोग हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता है सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। सरकार को 2 साल हो गए, आज गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ाया, और सरकारों ने चाहे 10 रुपये बढ़ाए, चाहे 20 रुपये बढ़ाए, चाहे 50 रुपये बढ़ाए, ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। ये किसान हित में है ना मजदूर के हित में है। ये जब जब ये उलझ जाती है, फंस जाती है, फिर ये जो है मुद्दों से भटकाती है। ये नागरिक संशोधन जो बिल आया वो मुद्दों से भटकाने का है, बिल्कुल मुद्दों से भटकाने का है। ये किसान विरोधी सरकार है, तो इसलिए जो है इन्होंने ये जो भी बिल ला रही, जो भी काम कर रही, सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए ला रही। और अब किसान जाग चुका है, और हम संजीव तोमर जी के नेतृत्व में आप क्या कहेंगे भाई साहब, आज सड़कों पर है, सरकार कह रही है सिर्फ काम करते हैं, हम बातें नहीं करते, पाकिस्तान की भाषा विपक्ष बोलता है, ऐसे आरोप उनके हैं। आप किसान हैं, क्या कहेंगे इन जो सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी लगातार 5 से 6 साल होने वाले हैं, कैसा काम रहा है और क्या काम होने चाहिए थे किसानों के लिए जो नहीं हो पाए? भाई हमें तो इतना पता, किसानों के हित का कोई काम नहीं किया। जब भी कोई मामला हो, हिंदू मुसलमान की बात करके, बिला वजह की बात करें, नहीं तो इन्होंने ऐसा शासन कर दिया किसान मजदूर के लिए, तो जैसा अंग्रेजी राज में होता था इस तरीके का सिस्टम है। अभी पीछे से मोटर व्हीकल एक्ट कर दिया था, गाँव देहात का आदमी का ही चलान कटा, शहर के आदमी तो अपना पूरे कागज भी रखे, हेलमेट भी रखे, गाँव देहात का आदमी बिल्कुल पैदल कर दिया, जैसे अंग्रेजी जमाने में वो घोड़ों पर साइकिलों पर चला रहे थे, इस तरीके का सिस्टम इन्होंने कर दिया। ये किसान मजदूर को तो पैदल ही चलना सोचते हैं, अब पैदल चले गया। किसान का गन्ने का रेट 3 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया, और रिकवरी बढ़ेगी 4-5%, पहला 8% थी 3-4 साल पहले, अब 12% रिकवरी है। अब एक भी पैसा बढ़ाना नहीं, और किसान की कोई बात नहीं सुननी। एक मामला ये मुद्दे का भटका नहीं, किसान अपना रेट ना मांग ले, पत्ती पर पराली पर कर दिया ड्रामा। अब भाई जो भी किसान फुक्का का बताओ कहाँ ले जाएंगे भाई, पत्ती इस तरीके का सिस्टम है, वह गड़ी भी नहीं सकती पानी में, वह पाली में पराली मतलब इस तरीके का सिस्टम है, गड़ी भी नहीं सकती, गेहूँ कैसा बोऊंगा भाई, ऐसी स्थिति पैदा कर दी। अच्छा रही बात प्रदूषण की, दिल्ली में प्रदूषण जरा, दक्षिण की तरफ कभी हवा नहीं चलती, अगर यहाँ कोई पत्तिया पराली जला बताओ दिल्ली की साइड। किसान सिर्फ वोट बैंक है क्या? पिछले 70 साल से किसान वोट बैंक बना, वोट बैंक पाकिस्तान में घोड़ा मार दो, हिंदुस्तान में घोड़ा मार दो, इस तरीके की बात करके वोट ले रहे। चुनाव आएंगे तो किसान करेंगे, वोट लिया फिर गायब, फिर गायब। ऐसी स्थिति है कि किसान को तो आत्महत्या। भाई साहब क्या सच्चाई है किसान की, क्या सच्चाई है किसान की, कि लोग अब धरना प्रदर्शन भी नहीं देखना चाह रहे किसान का, वो समझ चुके कि किसान की ये हालत तो रहेगी, सरकार इस पे जोर दे रही है कि नहीं? किसान का तो बहुत बुरा हाल कर दिया इन्होंने, बिजली की दरें जो 6 गुना बढ़ा दी। लेकिन वो ये भी तो कह रही कि हम तो नागरिक संशोधन बिल ला रहे हैं, 370 ला रहे हैं, 370 कर दिया, 370 और नागरिक ना कुछ नहीं, सब बेकार है, तो सब जो तो नहीं लगता कि इस बार इस मुद्दे पर भी वोट लिया? नहीं भी लगा किसान रेड का। जब ये जो पत्ती है यहाँ की, इसको नौचंदी ट्रेन जावा उसमें भरकर लखनऊ भेजेंगे, उसके पास में वही जाके पत्ती अपने वहीं से रखो अपने पास में, अगर हम नहीं जला सकते तो अपने वहीं मंगा लो लखनऊ में, वहाँ भेजेंगे इसको नौचंदी ट्रेन में। ये तो पैसे चलती भी आ रही है, तो ये तो जब से हिंदुस्तान क्या, जब से दुनिया बसी हुई है, जब से खेती का काम चल रहा है, जब से इस समय बत्ती चलती भी आ रही है, तो अभी क्यों इस पर प्रदूषण हो गया भाई, अब कहाँ से आ गया? और सुन लो, दिल्ली में कह रहे हैं उत्तर को कहाँ, दक्षिण को कहाँ जा रही है हवा, मैं पूरा पश्चिम चला है हवा, तो ये दक्षिण को जा रही है हवा, तो क्या मतलब दुख है? ये तो खामोखा इनका बहकावा है, कुछ नहीं कर रहे, ये खामोखा ड्रामा कर रहे हैं। सिर्फ को नहीं लगता नागरिक संशोधन बिल आया, वो बड़ी कह रहे हैं कि जो वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं जिन अल्पसंख्यकों पर, उनको हम जगह दे रहे हैं भारत। नहीं कुछ नहीं, सब ऐसे बहकावा, सबका ड्रामा। जब पेट में दाना नहीं होगा तो क्या करेगा किसान? भूखा मर जाएगा, जब भूखा मरेगा तो फसल कैसे पैदा करेगा, और जब फसल पैदा नहीं करेगी तो कहाँ का नागरिक रह जाएगा, हमें ये बताओ आप। हमें उन चीजों का कोई मतलब नहीं है, किसान हित में बिल, इस बिल में किसान हित की क्या बात है, हम उस चीज को देखेंगे जी, बिल हो कोई भी हो,
ठीक है, सरकार अपना काम कर रही, कर दे रहा हो, किसान हित में क्या कर रही है हमें वो बताओ। हम तो केवल किसान हित की बात करेंगे, इस मंच पे खड़े हो गए केवल किसान हित। और जो वोट बैंक वाली बात आपने करी थी, तो किसान अब जागरूक हो गया, केवल वोट बैंक नहीं रहा। और ये जो वोट बैंक की राजनीति है किसानों पर बिल्कुल नहीं चलने की, बिल्कुल नहीं चलने की, बिल्कुल नहीं चलने की, ना चलन देने के। हम जागरूक हो गए, संघर्ष करेंगे, मरते दम तक संघर्ष करेंगे, और ऐसा संघर्ष करेंगे कि अब दिखा देंगे सरकार को भी, सरकार चाहे किसी की भी आवे या कुछ भी, हमें सब कोई मतलब नहीं है। ना तो भाई हमारा जो है नागरिकता का मतलब, हमारा मतलब पास्तिता अपनी, भाव से मतलब, गन्ने से मतलब, बिजली से मतलब, गरीब जनता नागरिक नौकरी करता है तो हम नहीं जानते। हमें तो अपने हक के लिए लड़ना है। लग रहा है कि सरकार हक दे पाएगी आने वाले वक्त में किसान का कुछ हो? देगी, हम लेकर आएंगे, नहीं लेगी, हम लेकर रहेंगे, जबरदस्ती लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, दम तक संघर्ष करेंगे और अपने हक लेकर आएंगे। अब किसान वो किसान नहीं रहा कि मजबूर किसान, अब मजबूर किसान नहीं रहा, मजबूत किसान बन के दिखाओगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये बताइए, अब राजनीति जो इन्होंने हिंदू मुसलमान पर केंद्रित कर दी, वह राजनीति नहीं चलेगी। अब किसान के मजदूर की बात चलेगी, जो किसान मजदूर की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। इन्होंने क्या करा, अब पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम चलेगा, किसान मजदूर। इन्होंने जो भकाने का काम कराया जनता को, यो चलने का नहीं। किसान का उत्पीड़न करेंगे, सुबह ही दे देंगे पाकिस्तान में होगा। अरे हमें तो पेट में दाना नहीं, मेरे पाकिस्तान क्या करेंगे हम जाएगा? तो अब हिंदू मुसलमान क्या भाई, मारे खेत में पत्ती यहाँ पड़ी, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है? नहीं भाई, हमें तो पत्ती गन्ने बताओ। हमने ये कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में किसान भाई, हमें बिल संशोधन से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। हमें किसानों का जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ चाहिए किसानों का। वाकई ये किसानों का रोष है जो हाईवे पर नजर आ रहा है। सुबह के भले ही अभी 10 बजे हो, लेकिन कहा जा सकता है कि गुस्सा नजर आ रहा है। हाईवे पूरी तरीके से जाम है और ये ट्रकों की लाइन ये बता सकती है कि गुस्सा लगातार इसी तरीके से आपके पीछे नजर आएगा। बेबाक बातचीत करते रहेंगे, उठाते रहेंगे मुद्दों को जमीन से। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। किसानों के बीच जाकर हमने नागरिक संशोधन बिल पर उनकी राय भी ली, जाना कि आखिर क्या रो क्या समस्या है। लेकिन किसानों का कहना है कि सिर्फ हमारी मांगे पूरी हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं समझते। अपने सहयोगी सार्थक के साथ नवीन चौहान।